डेली कितनी कंप्लेंट्स आती हैं सर? तकरीबन आ जाती है 10 से 15 20। ये लॉग नहीं हो गया अच्छा, तो क्या मसला है आपको? कौन सी ऐसी चीज आपके पास नहीं है जो आपको हुकूमत दे? तो आप सर ऐसी चीज है, हमारा सबसे मेन मसला जो है क्या नाम है ये जो क्योंकि हमारा काम ही आपको सहूलियत देना। एक मिनट, आप मेरी इज्जत है, आप यहाँ उधर एस एच ओ साहब को ना देंगे? एस एच ओ साहब को आपने दोबारा देखोगे तो एस एच ओ साहब यहाँ नहीं होंगे। आप मुझे देखें बिल्कुल बगैर खौफ के। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको प्रोवाइड की जाए जो आप लगते हैं? मेरी बहन, कोई ऐसा मसला पुलिस स्टेशन के हवाले से, किसी भी हवाले से, कोई ऐसी चीज? सर ये इंटरनेट की आईपी लगी हुई है, हमारे आप अकेले ये दोनों ऑपरेट करते हैं? यस सर। सर इस गाड़ी से बचे हुए तो मैं ये वाला कैमरा लगाऊंगा, मुतलका टाइम में इसका प्लेट बैग निकालूंगा और फिर देखूंगा सर इधर अगर मुझे नजर आया क्या कह रहे थे आप कि वो बहुत तंग आया क्या? थोड़ी शर्म बेटा, जमीन पे क्यों बैठा? अपनी मर्जी से बैठा बेटा, डरो नहीं। क्यों जमीन पे बैठे? अपनी मर्जी से बैठे, दर्द हो रहा है बेटा? आप लोगों को कोई मसला तो नहीं है? मत डरे, बैठो बेटा, बैठो बेटा, आप बैठो। डबल सॉरी बोला, डबल सॉरी, मोटरसाइकिल लगी सर, मॉडल आपसे पैसे तो नहीं लिए किसी ने? मत डरे, मैं आपके लिए आया हूँ। नहीं आपसे पक्की बात है? बिल्कुल मत घबराएं। तो आप जब आपको पता है कि डबल सवारी मना है, फिर क्यों आप? आपने पर्चे तो नहीं काटे? नहीं सर, पर्चा लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करें इसे। ठीक है जी, क्या कर रहे हैं आप? बैठे बस ये आप भी डबल सफारी? जी जी सर। हाँ बैठे, आप बैठे। जी सर आप बैठे, आप बैठे, मैं आपके लिए हूँ, बैठे। हाँ ये सर जी मुझे बताएं, जबानी बताएं, जबानी सर जी बच्चे पर अभी हमला हुआ है, हम लोग कहना था जो लीगल फॉर्मेलिटी हो पूरी करें। ठीक नहीं, कोई नहीं था। लास्ट कौन सी हुई है? 399। निकालो सर, प्रिंट आउट निकालो। क्या मसला है इनका? कितने कितने दोस्त हैं? अकेले खुद खाएंगे? ये ज्यादती है, अपना छोटा दूसरा भाई है वो क्या हुआ? आपने अभी जाते हैं यहाँ से? आई जी साहब ने, डीसी साहब ने कभी चक्कर लगाया? डीसी साहब भी आए, आई जी साहब भी आए। अब ये सियासी प्लान तो पता चल, ये सियासी प्लान। माजी में जो हुआ आप हमारी इज्जत है, आपको हम इज्जत देंगे। यहाँ आने का मतलब ये नहीं था कि खुदा ना खास्ता आपको डराया जाए, आपको प्रेशराइज किया जाए। यहाँ आने का मतलब ये था कि आपके और मेरे बीच में जो हुआ सो हुआ, अब नहीं होगा इंशाल्लाह। हमने आपको
سہولیات بھی دینی ہیں, ہم نے آپ سے کام بھی لینا ہے, لیکن وہ کام جو قانون کے دائرے میں, آپ کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کرنا ہے. جب آپ 16-16 گھنٹے کام کریں گے تو لازمی بات ہے آپ کا رویہ بدلے گا. انسان ہے نا, آپ ہم سارے انسان ہیں. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے, اور یہ ڈیٹا کل 10 بجے تک میرے آفس میں ہوگا.